सीओ सर्किल अरुण कुमार सिंह की अगुवाई में थाना हयात नगर, थाना नखासा व कोतवाली पुलिस व पीएसी ने चलाया कुर्की का अभियान। संभल सीओ सर्किल अरुण कुमार की अगुवाई में जिलाधिकारी संभल द्वारा आदेश अनुसार थाना हयात नगर इंस्पेक्टर विद्युत गोयल, थाना नखासा इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह व सदर कोतवाली इंस्पेक्टर अमित कुमार ने पीएसी व अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ कोतवाली इलाके के तश्तपुरा में गोतस्कर इनाम उल हक पुत्र रहमत, जिसने गौवंशीय पशु की तस्करी कर काफी मात्रा में अर्जित की थी, उस संपत्ति पर आज ढोल बजाकर मुनादी कराते हुए एक मकान जिसकी कीमत 39 लाख व एक स्कूटी कीमत 60,000 को सीज कर दी। क्या मामला है? ये इनाम उल हक पुत्र रहमत तस्कर मियां सराय के रहने वाले हैं। इनके द्वारा गौवंशीय पशुओं की तस्करी कर रहे वक्त अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 14/9 के अनुपालन में आज इनका मकान हाथा ये जो मोहल्ला तस्पुर में है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 लाख रुपए है, तथा एक इनकी स्कूटी एवं इनका बैंक अकाउंट, इसको सीज किया गया है। उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।